हमने कल एडिटिंग ब्लॉक में एडिटिंग बुक में फाइंड ऑप्शन आपको बता दिया, ठीक है। इसके आगे जब हम इस पर एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडवांस फाइंड, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तीन ऑप्शंस आते हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हो। कल हमने आपको शॉर्टकट की बता दी थी, फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ F, ठीक है। जो रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, और गो टू की कंट्रोल के साथ G, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड के लिए पहले अपन कोई पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हो, जैसे कि अभी तो ये हमारे पास एक पेज है, बहुत सारे पेजेस हैं, उसमें कोई वर्ड फाइंड कराना चाहते हो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F, या फिर आप ये वाला ऑप्शन और वो ऑप्शन दोनों सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर जाने के बाद साइड में ऑप्शन आता है एडवांस फाइंड का, एडवांस फाइंड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर इंसर्ट, कहीं पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ भी इंसर्ट लिखा है फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क और क्लोज बटन होती है, इसे बोलते हैं अपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स को आप यहाँ पर ये ऊपर ये पट्टी दिख रही है ना, इस पर क्लिक करके खिसका सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, एक एक जगह पर, मतलब जहाँ जहाँ ये होगा, अभी इसमें एक ही जगह पर है, अगर एक से ज़्यादा जगह पर है तो हम फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, यहाँ पर ये हमें फाइंड करके दे देगा, ठीक है। हम इसको यहाँ से अभी क्लोज कर देते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ है, ऊपर। अब इसके अलावा हमें और कुछ फाइंड करना है तो हम यहाँ पर फिर से फाइंड एडवांस फाइंड ऑप्शन पर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम कुछ ऐसा लिखते हैं जो इसमें, इस जो हमारे डॉक्यूमेंट है इसमें कई बार आया हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैन, ठीक है, और यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये एक जगह लिखा है, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे दूसरी जगह चला जाएगा, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, एक एक जगह फाइंड करके दे रहा है। अगर आपको एक साथ देखना है कि कहाँ कहाँ है तो आप नॉर्मल फाइंड से तो कर ही सकते हैं। यहाँ से ये जो लिखा हुआ है फाइंड इन, इस पर हम क्लिक करेंगे, करंट सिलेक्शन पर फाइंड करना है, यानी जहाँ अभी हमारा नॉर्मल सिलेक्शन है, जैसे हमने इतनी जगह सिलेक्ट करके रखी है उतनी जगह में फाइंड करना है, या फिर मेन डॉक्यूमेंट, मेन यानी इस डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है, मेन डॉक्यूमेंट पर हम यहाँ से मेन डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ हमारे इसमें कैन लिखा हुआ है पूरा हमें फाइंड करके दे दिया, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, इतना आया समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है रीडिंग हाईलाइट, यहाँ पर ये जो अपन ने सर्च किया अभी तो ये सिलेक्ट हो रहा है, मान लीजिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं करना हमें सिलेक्ट, इसको हाईलाइट करना है, जहाँ जहाँ जो भी हम सर्च करना चाहते हैं उसे हाईलाइट करना है, हाईलाइट यानी उसमें कलर करना, जैसे हाईलाइटर से क्या करते हैं अपन हाईलाइट कर देते हैं, इसी तरह से। तो अपन यहाँ पर जो भी सर्च करना चाहते हैं वो लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रीडिंग हाईलाइट पर जाएंगे, हाईलाइट ऑल पर क्लिक कर देंगे, तो जहाँ जहाँ कैन लिखा हुआ है उसको इसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसके बाद इस अब भले ही आप फाइंड भले ही आप यहाँ से क्लिक हटा दो या कुछ भी कर दो, ये सिलेक्ट रहेगा, हाईलाइट है, या तो आपको यहाँ से हाईलाइट हटाना पड़ेगा या फिर यहाँ पर जाकर रीडिंग हाईलाइट पर ही क्लियर हाईलाइटिंग पर क्लिक कर देंगे, तो जहाँ पर भी जो भी हाईलाइट हो रहा था वो हाईलाइट होना बंद हो जाएगा। इसके अलावा फाइंड व्हाट में यहाँ पर साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना है, जब आप इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपने जो भी चीज़ें फाइंड की होंगी, जैसे अभी फिलहाल में हमने इंसर्ट फाइंड किया था और कैन फाइंड किया था, तो ये दोनों यहाँ पर दिखते हैं, और कुछ भी आपने फाइंड किया होगा तो वो सब यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है, लिस्ट आ जाती है जो जो चीज़। अब मान लीजिए हमें इंसर्ट फाइंड करना है तो आप यहाँ से उसको भी फाइंड कर सकते हो, अगर आपको और कुछ फाइंड करना है तो आप यहाँ से एक बार कोई चीज़ फाइंड कर देते हैं तो वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाती है, ठीक है, क्लियर है इतना। रीडिंग हाईलाइट से आप जो भी वर्ड फाइंड करना है वो हाईलाइट कर सकते हैं, फाइंड इन, करेंट सिलेक्शन या मेन डॉक्यूमेंट, कहाँ आपको फाइंड करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट से एक एक जगह सिलेक्ट करके देगा वो आपको, क्लोज कर देंगे तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है मोर का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप
से रिलेटेड ऑप्शंस की आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये अपन आगे सीखेंगे बाद में। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, आपको कोई चीज़ हटाकर दूसरी चीज़ लिखनी है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिप्लेस, ठीक है? तो अपन को रिप्लेस में फाइंड व्हाट में, फाइंड व्हाट में मतलब आपको मान लीजिए इंसर्ट की जगह पर, मतलब किस जगह पर क्या लिखना है। अब रिप्लेस की अपन को ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आपने, जैसे कि यहाँ वीडियो लिखा हुआ है, हमने गलती से यहाँ पर वीडियो की मतलब और कुछ लिखना था, इसको अपन कंट्रोल सी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तीन चार जगह पर हमने एक ही मिस्टेक की है, ठीक है? अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह ढूंढना पड़ेगा उसको, और फिर वहाँ पर जाकर उसको हटाकर मतलब उसको मिटाना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा। तो रिप्लेस यानी कंट्रोल एच दबाते हैं अपन यहाँ से, कंट्रोल के साथ आप एच की प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ आप एच की प्रेस करोगे तो रिप्लेस ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? अब रिप्लेस में आपको देखो आ गया, ठीक है, कंट्रोल एच दबा, हमने यहाँ पर जाकर क्लिक नहीं किया। अब हम क्या चाहते हैं, वीडियो की जगह पर ऑडियो लिखना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है, ऑडियो लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं ना, अब जैसे ही हम देखिए फाइंड पर क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पर अलग ऑप्शन आ रहे थे, जब हम रिप्लेस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है? रिप्लेस, यदि हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक एक जगह पर रिप्लेस होगा, हमें बार बार इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हमने रिप्लेस एक जगह उसने रिप्लेस कर दिया लेकिन बाकी जगह पर लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देंगे तो क्या होगा, एक साथ सभी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देते हैं, बी मेड 15 रिप्लेसमेंट, यानी 15 जगह पर वीडियो लिखा था, अब वहाँ पर क्या हो गया है, ऑडियो, ठीक है? यदि अपन यस कर देंगे तो हो जाएगा, अगर अभी भी नो कर देंगे तो नहीं हुआ। वी वॉन्ट टू कंटिन्यू सर्चिंग फॉर द बिगनिंग, फिर से आप सर्च करना चाहते हैं, अपन यस कर देते हैं, ठीक है? देखिए ऑल डन, वी मेड 15 रिप्लेसमेंट, यानी 15 जगह पर था, उस 15 जगह पर वीडियो की जगह पर उसने क्या कर दिया है, ऑडियो, ठीक है? आ गया समझ में, अपन यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद ये फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन वही है कि अगर आपको फिर से, अब देखिए अगर आप यहाँ से वीडियो आप फाइंड करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि है नहीं। बी रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कुडंट फाइंड एनी मैसेज, मतलब हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पहुँच चुके हैं, हमें कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं मिल रहा क्योंकि है ही नहीं है। आ गया समझ में, कर लोगे इतना, ठीक है? अब इतने में कुछ पूछना है फाइंड में और रिप्लेस में, नहीं पूछना। अब अगला ऑप्शन है गो टू, गो टू ऑप्शन से जैसे कि अभी हमारे पास पेज कितना है, एक, हम इसको कंट्रोल ई से पूरा मैटर सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर रहे हैं और कंट्रोल वी से इसको हम पेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास बहुत सारे पेजेस हो जाए, ठीक है? अब हम पेज नंबर कितने पर हैं, 13 पर, ठीक है? अब हमें क्या करना है, गो टू यानी किसी पेज नंबर पर जाना है। आपका स्क्रॉल हो सकता है ख़राब हो गया हो या फिर बार बार आप इस तरह से स्क्रॉल करेंगे बहुत देर लगेगी, ठीक है? मान लीजिए आपके पास 100 पेज हैं, 200 पेज हैं, तो आपको ऊपर नीचे जाने में दिक्कत आएगी। अगर आप स्क्रॉल बार से भी खिसकाएंगे तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एच दबाएंगे, ठीक है? गो टू ऑप्शन आ जाएगा, या फिर क्या करेंगे, एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे एडवांस फाइंड में, या तो आप यहाँ पर ये जो गो टू ऑप्शन है इस पर क्लिक करो, या फिर एडवांस फाइंड ऑप्शन पर जाओगे तब भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर हम एडवांस फाइंड ऑप्शन पर जाएंगे तब भी ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो हम यहाँ से गो टू पर जा रहे हैं। अब यहाँ से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया, ठीक है? क्यों, क्योंकि हमें जाना है पेज नंबर पर, तो हमने यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लिया, पेज नंबर डालेंगे। कौन से पेज नंबर पर जाना है, हमें जाना है पेज नंबर 5 पे, ठीक है? डाल दिया और यहाँ से हम गो टू पर क्लिक करेंगे, 5 नंबर पर आ गए, ठीक है? इस तरह से आप कर सकते हो। अब इसके बाद सेक्शन लाइन, किसी सेक्शन में जाना है लेकिन इसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे। लाइन में जाना है, मान लीजिए हमें लाइन नंबर 2 में जाना है, हमने लिखा लाइन नंबर 2, गो टू, ठीक है? अभी हम देखते हैं, यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, देखो हमारा कर्सर कहाँ आ गया,
लाइन नंबर 2 में ऑटोमेटिक आ गया, हमने यहाँ पर क्लिक नहीं किया। अब हम फिर से करते हैं, लाइन नंबर इसके लिए ये है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लाइन नंबर, ठीक है। इसके अलावा फाइंड ऑप्शन पर हम फिर से जा रहे हैं, एडवांस फाइंड पर, गो टू पर, ठीक है, आ गया समझ में। अगर आपने कोई बुकमार्क लिया है, किसी बुकमार्क पर जाना है, यहाँ पर उसकी अगर आपके पास कोई बुकमार्क है तो यहाँ पर लिस्ट आ जाती है, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, टेबल, ग्राफिक्स, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, ये सभी ऑप्शन अपन आगे पढ़ेंगे। हेडिंग, अभी अपन ने कल हेडिंग देना सीखा था, यहाँ से अगर आपके पास हेडिंग है तो यहाँ पर भी हेडिंग, कौन सी हेडिंग में जाना है, हेडिंग नंबर डालकर आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने ये सब ऑप्शन पढ़े नहीं है, अभी ग्राफिक्स, बुकमार्क वगैरह अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इतना समझ में आ गया आपको कि कहीं किसी पेज नंबर पर, किसी कहीं पर भी जाने के लिए आप गो टू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है इतना। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है यहाँ पर रिप्लेस, रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आ जाते हैं जो एडवांस फाइंड में आ रहे हैं, ठीक है, कर लोगे। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि अपन ने इसको रिप्लेस किया था वीडियो को, वीडियो कैसा था, एक फर्स्ट लेटर स्मॉल कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, और अपन ने इसको रिप्लेस कैसे किया, सभी कैपिटल से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्मॉल है या कैपिटल है, आप जैसा भी है वैसा आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, ये ऑप्शन हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। कुछ ऑप्शंस बता देते हैं, जैसे कि फाइंड ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सर्च ऑप्शन, सर्च में ऑल, डाउन, अप और ऑल, तीन ऑप्शन आ रहे हैं। ऑल पर अगर सिलेक्ट रहता है तो क्या होता है, ठीक है, देखिए सभी जगह पर वो फाइंड करता है, वीडियो है नहीं है इसलिए वो फाइंड नहीं कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से, मतलब हमारा जो करंट सिलेक्शन है हम चाहते हैं उसके नीचे सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब उसके नीचे वाले हैं वहीं सिलेक्ट करना चाहिए, ऊपर वाले सिलेक्ट ना करें, तो हम यहाँ से क्या सिलेक्ट करते हैं, डाउन, और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे, अगर हम यहाँ से कर देंगे अप तो फिर वो क्या करेगा, ऊपर वाले सिलेक्ट करेगा, देखो उल्टा सिलेक्ट कर रहा है इस तरह से, और अगर हम ऑल कर देंगे तो फिर वो सभी को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद अगला है मैच केस, मैच केस यानी कि जैसे हमने यहाँ से मैच केस पर क्लिक किया तो यहाँ पर कैन हमने किस में लिखा है, कैपिटल में, ठीक है, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था सेंटेंस केस, ठीक है, मैच कैसा लिखा है, कैपिटल में, और यहाँ पर अगर कैपिटल में लिखा होगा, देखिए बता रहा है कि नहीं है, जबकि कैन तो लिखा हुआ है। इस ऑप्शन से क्या होता है, अगर आप मैच केस पर क्लिक कर दोगे तो अगर जैसा आपने लिखा है वैसा का वैसा सर्च करता है, यानी स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में सर्च करेगा, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में सर्च करेगा। अब यहीं से अगर हम इसको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं, देखो करने लगा, ठीक है, और अगर हम इसको कैपिटल कर देंगे तो क्या करेगा, नहीं करेगा। तो आप अगर मैच केस, मतलब सेम टू सेम वैसा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, हम इसको क्लोज कर देते हैं, इतना क्लियर है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन के साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, जो अपन कंट्रोल ए करते हैं वही ऑप्शन है, किसी की भी शॉर्टकट की रहती है कोई, वो ऑप्शन कहीं ना कहीं जरूर रहता है, शॉर्टकट की ऐसी नहीं रहती, मतलब शॉर्टकट की तो क्या रहता है, उसका शॉर्ट फॉर्म रहता है, वो ऑप्शन कहीं ना कहीं जरूर रहता है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये जो कंट्रोल ये अपन करते हैं, कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं, वो क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है इसमें यहाँ पर एडिटिंग ब्लॉक में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें स्क्रीन नहीं दिख रही है,